जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पांचवें दिन मैच रद्द होने के बावजूद भी भारतीय टीम को मिली बड़ी खुशखबरी। अब भारतीय टीम ही होगी 1-0 से आगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत को दिया ऐसा बड़ा तोहफा कि जानने के बाद आप भी हो जाओगे खुश। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार पांचवें दिन बारिश की वजह से मैच रद्द होने के बाद ऐसा क्या ईसीबी ने फैसला लिया उसी के बारे में। आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर दिया ऐसा बड़ा बयान कि जानने के बाद भड़क उठा पूरा भारत देश। कहा ऐसा भला बुरा कि जानने के बाद आप भी करोगे गुस्सा। तो दोस्तों आखिरकार किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर ये विवादित बयान दिया उसके बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पांचवें दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाने की वजह से रोहित शर्मा दिखे दुखी, बीच मैदान पर ही करने लगे आकर कुछ ऐसा कि छूट गई सभी की हंसी। तो दोस्तों आखिरकार रोहित शर्मा ने क्या ये हरकत की इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम इस पहले टेस्ट मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत दिखाई थी। अगर हम बात करें पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की या फिर चौथे दिन की, हालांकि दोस्तों इस मैच में भारत को जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम ने 209 रनों का टारगेट दिया था, जहां पर भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे। और ऐसे में भारत को जीतने के लिए 157 रनों की ही मात्र जरूरत थी। और मैदान पर अभी भी बल्लेबाज टिके हुए थे रोहित शर्मा, चितेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली जैसे खतरनाक खिलाड़ी। हालांकि दोस्तों भारतीय टीम इस लक्ष्य तक पहुंचे उससे पहले ही बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया आसानी से इस मुकाबले को जीत लेती, लेकिन इस मुकाबले में बारिश ने दखल डाल दिया, जहां पर पांचवें दिन का खेल शुरू होने से पहले ही यहां पर बारिश होने लगी। जी हां दोस्तों, यहां नॉटिंघम में पांचवें दिन का खेल शुरू हो नहीं पाया और ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा फैसला लेना पड़ गया। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले के पांचवें दिन का पहला सेशन और दूसरा सेशन पूरी तरीके से बारिश की भेंट चढ़ गया, जहां पर पहले सेशन में एम्पायर्स ने जल्दी लंच कराने का फैसला लिया और उनको उम्मीद थी कि बारिश रुक जाएगी और मैच को फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि दोस्तों बारिश बीच में रुकी भी, लेकिन मैच दोबारा से कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि बादल फिर से आ गए और लाइट वगैरह भी काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसके चलते पहले सेशन तो पूरा बारिश की भेंट चढ़ा। तो वहीं दूसरे सेशन में उम्मीद लगाई जा रही थी कि टी ब्रेक से पहले मैच को करवाया जाएगा कंटिन्यू, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका और मैच को दूसरे सेशन में भी चालू नहीं कराया गया क्योंकि नॉटिंघम में बारिश जारी रही। हालांकि दोस्तों अभी तीसरा सेशन हुआ नहीं और ऐसे में भी उम्मीद है कि तीसरे सेशन में मैच शायद हो जाए क्योंकि वेदर रिपोर्ट की अगर माने तो 5 बजे नॉटिंघम में बादल पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे और बारिश की कोई भी आशंका नहीं जताई जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों मैच दोबारा चालू होगा और डीएलएस मेथड के थ्रू इस बार विनर का फैसला किया जाएगा, जहां पर दोस्तों हो सकता है कि भारतीय टीम को काफी कम ओवरों में ज्यादा रन बनाने के लिए भी मिल सकते हैं और हो सकता है कि काफी ज्यादा ओवरों में उन्हें काफी कम रन बनाने के लिए मिले। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम के पलड़े में ये पूरा मुकाबला अभी आ चुका है और उम्मीद है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में जरूर डीएलएस मेथड के थ्रू जीत लेगी। बाकी दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को जीतना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो ये है, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बोले ऐसा भारतीय तेज गेंदबाज लाइनअप में मैंने कभी नहीं देखा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाबुल हक इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आए, जहां पर इंजमाबुल हक ने मैच की शुरुआत में ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखने वाले तेज गेंदबाजों की जमकर सराहना की। जी हां दोस्तों, इंजमाबुल हक ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि पहले दिन अपनी तेज गेंदबाजी से टीम इंडिया ने सीरीज की दिशा ही तय कर दी। उन्होंने तुरंत इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया, जहां पर उपमहाद्वीपों के गेंदबाजों को अक्सर पहले टेस्ट मैच में मुश्किल होती है क्योंकि इंग्लैंड में गेंदबाजी की जाने वाली लाइनें अलग होती हैं। और ऐसे में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी का मनोबल पूरी तरीके से गिरा दिया और इसका पूरा श्रेय जसप्रीत बुमराह को जाता है। तो दोस्तों यहां पर उन्होंने काफी बड़ी बात बोली, बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रेंट ब्रिज में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारत को जीत
जीतने के लिए 209 रनों का टारगेट मिला था। तो वहीं दोस्तों टीम इंडिया ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे, जहां पर भारत को पांचवें दिन के खेल के शुरुआत होने से पहले ही 157 रन और बनाने थे और ट्रेंट ब्रिज मैदान पर ये इतिहास रचना था। हालांकि दोस्तों ये 157 रन भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा परे हो गए। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया के पास यहाँ शानदार जीत का मौका था, लेकिन इसमें बारिश बाधा बन गई। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था अपने पिछले वीडियो में कि नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर काफी तेजी से बारिश होने के आसार हैं, और हालांकि ये बारिश थोड़ा बीच बीच के समय में रुकेगी और ऐसे में यही आज हम सभी को देखने के लिए मिलने के लिए मैदान पर आए। तो वहीं चितेश्वर पुजारा भी 12 रन बनाकर नवाद मैदान पर टिके हुए थे, जो कि आज अपनी दूसरे सेशन में पारी को शुरुआत करते हुए नजर आए। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि दूसरे सेशन का खेल भी अभी बारिश की वजह से रुका हुआ है, लेकिन बीच में कुछ स्थिति ऐसी बनी थी कि भारत और इंग्लैंड के बीच में ये मुकाबला करवाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो उस दौरान बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई और ऐसे में एक बार फिर से ओवर्स को मैदान पर लेकर आना पड़ा और रोहित शर्मा मात्र इस दौरान खेल पर ही करी जा रही है कि ये बारिश जल्द से जल्द रुके और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने की अपनी राह को जल्दी जल्दी खत्म करे। ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज पूरे दिन बारिश होनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर भारतीय टीम जीतेगी आज के इस मुकाबले को। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, ऋषभ पंत को मेंढक की तरह उछलता देख हैरान हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली, फिर मैदान पर कला कुछ ऐसा कि छूट जाएगी आपकी हंसी। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन मैदान पर एक मजेदार वाक्य हुआ। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बीच मैदान पर मेंढक की तरह कूदते हुए देखा गया था। दरअसल दोस्तों ऋषभ पंत की इस हरकत ने स्लिप में फील्डिंग कर रहे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। दरअसल दोस्तों यह वाक्य तब हुआ जब 51 ओवर के दौरान मोहम्मद शमी और पहली गेंद डालने वाले थे और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस पर हल्की सी अपील भी की, लेकिन इसी दौरान ऋषभ पंत ने मेंढक का रूप धारण कर लिया और वो मेंढक की तरह कूदते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर तस्वीरें भी देख सकते हो उनकी, अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी आपकी क्या राय ऋषभ पंत के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि टीम इंडिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार शुरुआत की है, जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले के अंतिम दिन रविवार को टीम इंडिया को जीत के लिए 157 रन और बनाने थे। तो वहीं दोस्तों जबकि 9 विकेट अभी भारतीय टीम के पास शेष बचे हुए हैं। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया ने पहली पारी में 278 जबकि दूसरी पारी में एक विकेट पर 52 रन बनाए। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।